नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे स्वादिष्ट भोजन में आप सभी का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो पर जो नए हैं नीचे दिए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस साइज़ का दो तरोई ली थी जो मैं छील करके अच्छे से काट ली हूँ, आप देख सकते हो। फिर मैं इसमें एक बड़ा प्याज भी डाली हूँ काट करके। आप प्याज ना भी डालोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पर लहसुन ली हूँ, जीरा एक चम्मच ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हो हरी मिर्च। मैं कढ़ाई में तेल डाली 2 बड़े चम्मच। अब यहाँ पे मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी जीरा। लहसुन और जीरे को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा लाल होने तक। तो मैं अच्छे से इसको डुला के भून लेती हूँ। अब देख सकते हो तो थोड़ी देर तक भूनेंगे। भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे, देखिए लहसुन लाल हो गया है हल्का हल्का। यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को कम ही मैं पकाऊंगी। आप चाहो तो पूरा अच्छे से लाल करके भी सब्ज़ी डाल सकते हो, पर यहाँ सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा हरा रहेगा तो डालेंगे तो सब्ज़ी के साथ थोड़ा लाल होगा, तो इसलिए मैं मिर्ची को कम ही पकाऊंगी। आप तड़के को कम ही हल्का हल्का पकाएं। पकाने के बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी जो काट के रखी थी मैं सब्ज़ी को डालूँगी, अच्छे से धो करके साफ करके रखी थी। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी को डालने के बाद अच्छे से सब्ज़ी को डुला देती हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से सब्ज़ी को पूरा डुला देंगे। डुलाने के बाद यहाँ पे मैं मीडियम आंच पे 5 मिनट तक का ढक करके पकाएंगे। अब देखिए 5 मिनट हो गया है। 5 मिनट के बाद मैं सब्ज़ी को खोल करके देखती हूँ। तो ये देखिए 5 मिनट होने के बाद सब्ज़ी हल्का हल्का पक गया है। यहाँ पे मैं नमक डालूँगी, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। डालने के बाद सब्ज़ी को अच्छे से डुला देंगे। तो देखिए आप इस तरह से डुला दीजिए सब्ज़ी को। अच्छे डुलाने के बाद ढक के, सब्ज़ी ऐसा ना हो कि डाल के नमक ढक दिया तो सब्ज़ी नीचे लग जाएगा। यहाँ पे हम डालने के बाद और 5 मिनट सब्ज़ी को पकाएंगे। सब्ज़ी को 5 मिनट पकाएं। तो देखिए 5 मिनट हो गया है। तो अब हम सब्ज़ी को खोल के देखते हैं। ये देखिए 5 मिनट होने के बाद सब्ज़ी पक गया है। सब्ज़ी को अच्छे से डुला देंगे। सब्ज़ी को डुलाने के बाद ये देखिए मैं सब्ज़ी को अब अलग बर्तन में निकालूंगी। आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।